चलिए देख लेते हैं आज और अभी की अहम खबर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने निंदा की है उन दो नेताओं की गिरफ्तारी की जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और बीजेपी के द्वारा आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट करके जानकारी दी उन्होंने कि मैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम मीर और प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और उसके दो नेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही बेहद ही निंदनीय और वो भी अकारण कार्यवाही। सरकार लोकतंत्र को नीचे की ओर ले जा रही है और उन्होंने इसे पागलपंती करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पागलपंती को अब खत्म होना चाहिए। बीजेपी सरकार द्वारा धारा 370 लगाने के दौरान कई पार्टियों के नेताओं को नजरबंद किया गया, हिरासत में लिया गया, उसी पर अब कड़ी प्रतिक्रिया आना चालू हो गई। ऐसा ही नहीं कि राजनीतिक दल के लोग, अन्य कई लोग भी इसे संवैधानिक नहीं बता रहे। उनका कहना है कि हमारा देश जिस तरह के लोकतंत्र देश है उसमें इस तरह की कार्यवाही निंदनीय है और किसी को पहरे में रखना, किसी को नजरबंद करना और किसी को कार्यवाही करना ये बेहद निंदनीय है। बिना कारण, कारण है तो कर सकते हैं लेकिन अकारण किसी को कैद करना बेहद निंदनीय है।